ऑरेंज बिल के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा। टोरेंट पावर के खिलाफ 29 अगस्त को होगा आंदोलन। रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट पावर द्वारा भेजे जा रहे एवरेज बिल से मुमरा कौसा के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोरेंट पावर जब मुमरा कौसा शील दीवा में आने वाली थी उस वक्त बहुत आंदोलन सभी दलों ने किया था, मगर उसके बावजूद टोरेंट पावर आ गई। लॉकडाउन के बाद अब जो लोगों को बिल भेजे जा रहे हैं उस एवरेज बिलों में जो भुगतान के रकम दिए गए हैं वो रकम लोगों के होश उड़ा दे रहे हैं। लाखों रुपए के ये एवरेज बिल टोरेंट ने लोगों के हाथों में थमा दिया है। एवरेज बिल को लेकर राजनीति पार्टी भी खामोश बैठी हुई थी। कोई भी टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने की जहमत नहीं कर रहा था, मगर ऐसे में एवरेज बिलों के खिलाफ एनसीपी यूथ का आंदोलन अब होने वाला है। आपको बता दें कि टोरेंट पावर आने के बाद ये टोरेंट के खिलाफ पहला आंदोलन होगा। एक बात और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एवरेज बिलों को लेकर कहा था कि बिजली के बिलों में जो गड़बड़ी है उसे सुधार के दोबारा भेजा जाए, मगर उसके बावजूद आज भी लोगों के हाथों में बिजली का एवरेज बिल थमा दिया जा रहा है। मगर अब नगर सेवक अशरफ शानू पठान ने टोरेंट के खिलाफ अब बिगुल बजा दिया है और कहा है कि टोरेंट के एवरेज बिल से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, टोरेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। 29 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे टोरेंट ऑफिस के सामने आंदोलन होगा। उसके बाद भी टोरेंट पावर एवरेज बिलों में सुधार नहीं करती है तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही अशरफ शानू पठान ने यह भी बताया कि पत्र देकर मांग की गई है कि लॉकडाउन के दरमियान के 3 महीनों के बिजली बिल माफ किए जाएं। शानू पठान का कहना है कि सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी है कि लोगों की परेशानियों का हल निकाला जाए और टोरेंट पावर के एवरेज बिल जो दे रही है उसके खिलाफ आंदोलन करना अब ज़रूरी हो गया है। शानू भाई, टोरेंट के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन करने वाले हैं, आप लोग आंदोलन करने वाले हैं टोरेंट को लेकर, जिस तरह से बिल जो ज़्यादा आ रहा है लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, हम लोग तो का स्टैंड साफ था कि हम टोरेंट जैसी कंपनी को हमारा विरोध था, लेकिन ठीक है, बीजेपी सरकार ने उस वो टेंडर दी थी और हम भी चाहते थे कि अगर मुमरा शहर को लोड शेडिंग मुक्त हो और समस्याएं जो है लाइट की समस्या, सर्विस अच्छी मिले, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी आ रही है अगर आवाम का फ़ायदा हो तो उसे एक मौका देना चाहिए। लेकिन हाल ही में पिछले 1.5 महीने से और ख़ास तौर से 1.5 महीने से 2 महीने तक, 2 महीने के अंदर लोगों की कंटिन्यू शिकायत आ रही है, एवरेज बिल, बिल ज़्यादा, ऐसी शिकायतों को लेकर कई लोग परेशान। तो इसी के लिए माननीय जितेंद्र रावत साहब, मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में मैं राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस की ओर से आने वाली 29 तारीख को शनिवार को टोरेंट बिल डिपार्टमेंट के खिलाफ टोरेंट ऑफिस पे आंदोलन करूंगा। जो बिल बढ़ोतरी है, जो उनका एवरेज है और उनकी मनमानी, जो लोगों की समस्या, आज तक बहुत से लोगों ने लेटर दिया, बहुत सी संस्थाओं ने बात की, लेकिन वो संस्था जो समाधान है मुझे नहीं लग रहा कहीं निकलते दिख रहा है। तो ऐसे में सूरत आती है आंदोलन ही। लेकिन आपकी भी सरकार है, पार्टी है आपकी सरकार में, तो फिर ऐसा टोरेंट पे क्यों नहीं ऐसा कठोर कार्रवाई की जाती? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोग बोलते सरकार है हमारी, सरकार है, सरकार है। अगर सरकार हमारी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर हमारी सरकार है और कोई गलत हो रहा है तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उस गलत के खिलाफ और ज़ोर से आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी है, लोग सवाल हमसे करेंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, अगर सरकार हमारी है और कोई गलत कर रहा है तो और ज़ोर शोर से उसका विरोध और उसकी आवाज़ उठाना चाहिए, जिसके लिए हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी नगर सेवक, माननीय जितेंद्र रावत सबके मार्गदर्शन में, माननीय हमारे शमीम भाई, सैयद भाई, जितने भी हमारे लीडर हैं उन सभी के मार्गदर्शन में, उनका साथ लेते हुए राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस टोरेंट के खिलाफ 29 तारीख को उनके ऑफिस के बाहर आंदोलन करेगी। शानू भाई, जिस तरह से पहले भी कई आंदोलन हुए, आपकी पार्टी ने किए और भी अन्य पार्टियों ने, सभी सर्वदलों ने मिलकर किया था कि टोरेंट ना आए,
लेकिन उसके बावजूद टोरेंट आ गई है, आप लोग बिल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप सक्सेस हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूँ, हमने बहुत आंदोलन किया, हमने MSEDCL के खिलाफ आंदोलन किया, हमने बहुत से बाईपास के खिलाफ आंदोलन किया, सब जो रोड खड्डे थे उसके खिलाफ आंदोलन किया, कई आंदोलन किए, जहाँ जहाँ आंदोलन किए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिली और उसका समाधान निकला है। लेकिन टोरेंट, अगर हम टोरेंट को हटाते तो टोरेंट एज पर टेंडर जब तक है उसको हटाना मुश्किल है, उसके लिए भी हमारा प्रयास चालू है। लेकिन जब तक टोरेंट है इसका मतलब ये मनमानी बिल भेजेगी, ऐसा थोड़ी चलेगा। टोरेंट बिल भेजे और हम लोग बिल ले। मेरी ये मांग भी है गवर्नमेंट से, और मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत सबको पत्र भी लिखा हूँ, और मैं मांगनी भी है कि पहले तो ये 3 महीने का जो लॉकडाउन है, जो महामारी है, उसका बिल माफ़ करा जाए पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, जो एवरेज बिल, जो मनमानी बिल भेजा जा रहा है, उसको अगर उसके लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं निकाला, कोई कमेटी नहीं बिठाई, और सेक्शन वाइज मुमरा प्रभाग समिति के अंदर सेक्शन वाइज अगर उन्होंने बिल दुरुस्ती की कैम्प नहीं लगाया, तो ये समाधान नहीं निकलेगा। और दुरुस्ती के साथ साथ ये बताए कि उनके 80,000 कंज्यूमर है मुमरा प्रभाग समिति, वो ये बताए कि एवरेज बिल कितने आते थे और हमने कितने को बिल सुधारा, इसके लिए हमारा आंदोलन है। अगर ये आंदोलन यहाँ पे हो रहा है उससे उनकी आगे नहीं आँख खुली, तो हम टोरेंट के हेड ऑफिस में भी आंदोलन करेंगे। महामारी है तो देखिए, महामारी थी लेकिन मुमरा आज 0 पे चल रहा है, और ये मुमरा के लोगों की मेहनत, माननीय मिनिस्टर साहब और हमारे नगर सेवक पदाधिकारी और सभी सामाजिक वालों ने जो सेवा की, उसकी मेहनत दुआओं से आज मुमरा 0 पेशेंट पे चल रहा है। लेकिन जो समस्या है वो आज 2 से 3 महीने से देख रहे बढ़ती जा रही, लोग परेशान हैं, बिल ज़्यादा आ रहा है, एवरेज बिल आ रहा है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। इसके लिए मुझे जो लगता है सबसे आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा तरीका और बेहतरीन तरीका होता है वो आंदोलन। यानी कि 29 अगस्त को शानू पठान बिजली के एवरेज बिल को लेकर आंदोलन करेंगे, साथ ही 3 महीने की बिजली बिल माफ़ करने की भी मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अशरफ शानू पठान का ये आंदोलन कितना रंग लाता है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।